हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला परिषद चुनाव पर किया मंथन। आबू रोड व माउंट आबू ब्लॉक की संयुक्त बैठक। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव को लेकर भद्रकाली मंदिर के सामने स्थित गुजराती धर्मशाला में आबू रोड व माउंट आबू ब्लॉक की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें पार्टी प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की गई। जिला प्रभारी शोभा सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस कमेटी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पार्टी साथ में लेकर चलेगी। उनके मान सम्मान का ध्यान रखकर पार्टी में पूरी प्राथमिकता मिलेगी। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पोस्ट चिपकाने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है। मंच पर बैठे अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट चिपका कर व दरिया बिछा कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है। कांग्रेस के लिए जो भी अपना खून पसीना बहाता है उसका योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कांग्रेस ने अनेकों योजनाएं चलाकर आम जनता को राहत दी है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 34 दिन होटलों में रहकर कांग्रेस पार्टी को बचाने का कार्य किया है। भाजपा ने धनबल से विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ता को हमेशा मान सम्मान दिया है। कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने का कार्य कर रही है, विधानसभा में भी बीजेपी से लड़ाई लड़ने का कार्य करते हैं। जिला अध्यक्ष जीवाराम आर्य, पूर्व उप मुख्य सचेतक रतन देवासी, रसीद खान गौरान, नारायण सिंह भाटी आदि ने भी पार्टी जीत को लेकर संबोधित किया। इस दौरान पूर्व यूआईटी अध्यक्ष हरीश चौधरी, पूर्व प्रधान लाला राम गरासिया, पूर्व प्रधान अंदा राम गरासिया, हीरा भाई अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष राजेश गहलोत आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी की अबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।